मध्य प्रदेश में आजकल कोई चर्चा है तो वो है सिर्फ इनकम टैक्स की। शनिवार शाम तक सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक तूफान आया और मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी के साथ निजी सचिव इनकम टैक्स के पाश में आकर छटपटाने लगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वाकई जो कहानी दिख रही है वही सही है या फिर अंदर कुछ और पक रहा है? क्या वाकई काली कमाई को पकड़ने की ये पूरी कवायद थी या फिर कोई और जुगलबंदी भी है? इधर कांग्रेस का कहना है कि यह भाजपा की बौखलाहट है, तो भाजपा खुद इसे एक भ्रष्टाचार के खिलाफ महत्वपूर्ण कदम करार दे रही है। लेकिन इस मसले में काफी पैच है साहब। अचानक आयकर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई मुख्यमंत्री के दो खासम खास पर होती है, बड़ी नगद राशि भी बरामद हो जाती है। क्या यह खेल का हिस्सा है? क्या इस खेल में कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा शामिल तो नहीं? क्या कमलनाथ को कमजोर करने के लिए किसी कांग्रेसी नेता ने ही मोदी से गटपट तो नहीं कर ली? दरअसल एक नेता जी के बारे में कहा भी जाता है कि वे खूंटा तो गाड़े हैं कांग्रेस में, लेकिन कई ऐसे मौके आए जब वे बीजेपी की ओर से खेल गए। अक्सर उनके बयान मतदाताओं को कांग्रेस के पाले में जाने से रोक देते हैं, पार्टी में भी गजब का रसूख रखते हैं। इधर विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने फतह हासिल कर अपने आप को काफी मजबूती दे दी। मुख्यमंत्री बने, मंत्री भी अपने हिसाब के, और विभाग बंटवारे में भी मन के फैसलों को ही तरजीह दी। बनते समीकरणों के बीच कमल बाबू ने एक कांटे को मध्यप्रदेश की सीमा से पार भेज दिया तो दूसरे को अपने दांव में उलझाकर भाजपा के गढ़वाली सीट पर ही फंसा दिया। वो भी खिलाड़ी हैं साहब, हर दांव और चाल को समझते हैं, लिहाजा अपनी गोट जमा दी। सुनिए, तो केवल एक सवाल पूछता हूँ, रैलियों का पेमेंट एक एक रैली में आप करोड़ों पे खर्च करते हैं कि चेक का पेमेंट करते हैं? इशारों में नेता जी ने साफ कर दिया कि कार्रवाई के दौरान मिला धन चुनाव के लिए भी हो सकता है। गटपट से लगता है कि भोपाल सीट का कांग्रेस के पाले में आना लगभग तय। कमलनाथ भले ही गुणा भाग करके अपने वजीरों को बचा लें, लेकिन उनकी सरकार पे लगा दाग उन्हें कमजोर करेगा। मतलब साफ, हाशिए पर पड़े नेताओं को पाला मारने का फुल मौका। इस कार्रवाई के बाद जो भी काली कमाई सामने आएगी वो अपनी जगह, लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार सियासत के खेल का अगला दांव क्या होता है।